नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कांग्रेस पर बड़ा कटाक्ष किया। बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के पैर जहां भी पड़ते हैं वहां जनता कांग्रेस को साफ कर देती है। शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दे दिया। बता दें कि चौहान ने तमिलनाडु के मद्यूरों में विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लिया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गांधी मध्य प्रदेश की यात्रा की और वहां की जनता ने कांग्रेस का सफाया कर दिया। इसी तरह के हाल अन्य राज्यों के भी रहे हैं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस भी स्थान पर कांग्रेस को हारना है वहां पर श्री राहुल गांधी को भेज दीजिए, किसी अन्य की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी तरह कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान समारोह का न्योता ठुकराया, अपना सर्वनाश सुनिश्चित कर लिया। उन्होंने कहा कि एक तरफ जनता जहां राम मंदिर का उत्सव मना रही है, एक साथ खड़ी है, वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इसका न्योता ठुकरा दिया। श्री चौहान तेलंगाना और केरल के बाद अब तमिलनाडु के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने बुधवार को मदुरई स्थित प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर में मां अम्मन की पूजना अर्चना कर दर्शन कर देशवासियों से सुख समृद्धि की कामना की। श्री चौहान ने कहा कि भाजपा तमिलनाडु में आगामी लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। उन्होंने तमिलनाडु के डीएमके सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि यहां के लोग मौजूदा सरकार से तंग आ चुके, अब जनता भाजपा के साथ खड़ी है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की सराहना करते हुए दावा किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा 400 से अधिक सीटों पर विजयी हासिल कर एक बार फिर से सरकार को बनाएगी। वहीं दर्शकों बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जहां भी जाते हैं वहां पार्टी का सर्वनाश हो जाता है, जहां भी कदम रखते हैं वहां पार्टी साफ हो जाती है। कांग्रेस पार्टी के किसी अन्य नेता को कहीं भेजने की जरूरत नहीं। अगर आपको चुनाव हारना है तो राहुल गांधी को एक बार वहां भेज दीजिए और उसके बाद देखिए कि आप चुनाव कैसे हारते हैं और पार्टी का सफाया कैसा होता है। वहीं इसके साथ शिवराज सिंह चौहान ने राम मंदिर को लेकर बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस पर बड़ा निशाना साधा और बता दिया कि राम मंदिर का न्योता ठुकराने से इन्होंने खुद का सर्वनाश करना शुरू करा दिया है। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।